इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट है, इलेफस, ये मॉडर्न एलिफेंट का नाम है जिसके वजह से इसको एलिफेस यहाँ पे लिखा गया है। तो एलिफेंट का जब भी इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो उसी तरह से सिस्टमेटिक वे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा एरा में कौन कौन सा। तो सबसे पहले आपको वो एरा याद होना चाहिए, तो उस एरा में कौन कौन से फॉसिल्स मिले जिसके थ्रू हम लोग 3D स्ट्रक्चर बना के एक प्रिडिक्शन किया कि किस तरह से वो दिखते होंगे। ठीक है, जनरली जो भी हम लोग देख रहे थे ह्यूमन में और जो भी हॉर्सेस में देख रहे थे, तो जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उस एरा के, तो उस फॉसिल्स के हिसाब से उसका 3D डायग्राम बनाया गया और उस डायग्राम के हिसाब से वो प्रिडिक्ट किया गया कि हाँ कुछ इस तरह से वो दिखते होंगे। उसी को हम लोग इन सब चीजों में पढ़ते हैं जो फाइलोजिनी चलती आती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट, इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट में अगर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये लोग मेमेलिया में आते हैं, दैट मीन्स कि जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं मिल्क। ठीक है, तो अगर टेरेस्ट्रियल मैमल में हम बात करें तो एलिफेंट क्या है, एक जाइंट टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं जो कि कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन इनका किससे होता है, इंफ्रारेड साउंड से। इनका अपना कम्युनिकेशन करने का स्टाइल है, जैसे ह्यूमंस में हम लोग देख रहे थे कि जब क्या हुआ था, सेपियंस जो होमो सेपियंस सेपियंस थे वो एक कम्युनिकेटिंग स्टाइल में अपना कुछ कम्युनिकेट करते होंगे, फिर हम लोग अपने मॉडर्न में कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी तरह से एनिमल्स भी अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रासाउंड जिसको बोलते हैं एलिफेंट, एक जो कम्युनिकेशन है वो इसके थ्रू करता है। ठीक है, एलिफेंट्स कॉमनली फाउंड कहाँ पे हैं, एशिया एंड अफ्रीका, क्योंकि जब लास्ट में हम लोग देखेंगे जब उसका स्टेज एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां से क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा एलिफेंट, तो जब माइग्रेट होगा तो आप देखेंगे कि अफ्रीका और अफ्रीका, अफ्रीकन जो एलिफेंट है और एशियन एलिफेंट दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा, मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा बहुत दिखेगा, किसी की हो सकती है कान ज्यादा लंबी होगी, किसी की कान कम लंबी होगी, कुछ हाइट पे डिफरेंस देखेंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो दो तरह के यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एलिफेंट आर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका और एशिया। ठीक है, तो जो मेल एलिफेंट्स हैं आर जनरली टॉलर होते हैं फीमेल से, ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या है, मेल एलिफेंट जो है वो थोड़ा सा टॉलर होते हैं इन कंपेयर टू फीमेल जो एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट हैव द प्लांटीग्रेड पोस्चर, प्लांटीग्रेड पोस्चर जो बोलते हैं, क्या कहते हैं प्लांटी, जैसे आप थोड़ा सा जो पैर है वो मुड़ा हुआ रहता है, थोड़ा झुके हुए रहते हैं, आप देखेंगे आगे का पैर जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा और पीछे का पैर थोड़ा छोटा होगा, जिसकी वजह से वो पैर थोड़ा नी जो है, नी ज्वाइंट थोड़ा सा झुकता है, उसी को बोलते हैं प्लांटीग्रेड पोस्चर। ठीक है, आप नोटिस किए होंगे जो एलिफेंट है वो थोड़ा सा प्लांटीग्रेड इन पोस्चर, अगर हम आगे में उसका जो जब हम इसका कुछ फोटोज देखेंगे तो उसमें वो चीज नोटिस कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का स्कल अगर आप फॉसिल देखें तो कुछ इस तरह का पहले मिला था, जो कि नॉट लाइक एलिफेंट कह सकते हैं आप, नॉट लाइक एलिफेंट था बट फिर भी इसको कंसीडर किया गया था, बट ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो फॉसिल है वो 3 मिलियंस ईयर पहले साउथ अमेरिका में, जो 16 मिलियन ईयर पहले ऐसा बोलता है कि मिल रहा था, लेकिन मेन हमको याद रखना है जो पॉइंट वो अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए, अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो टैक्सोनॉमी एनिमेलिया हो गया, कॉर्डेटा हुआ, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह डेवलप कर गए हैं। ठीक है, क्लास मेमेलिया, ठीक है, ऑर्डर हो गया प्रोबोसिडिया, मतलब जो जिसको बोलते हैं आप नोज, है ना, जो सूंड वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको उस ऑर्डर में रखा गया है। अगर हम किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया और मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये है, उसके बाद ब्रॉड रेंज ऑफ एनिमल स्पीसीज एंड एनिमल ऑब्टेंड न्यूट्रिशन 565 to 525 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, और इवॉल्व ड्यूरिंग कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन जो पीरियड है उसमें इवॉल्व हुए थे, और फाइलम हो गया कॉर्डेटा। ठीक है, बिलोंग्स टू पोस्ट
वर्टिब्रेट एनिमल्स, एक वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, और फॉर एनाटॉमिकल फीचर्स उसमें बहुत सारे हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर इवोल्यूशनरी ट्रेट्स की बात करें, एलिफेंट की इवोल्यूशनरी ट्रेट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है, इलोंगेशन है आपका लिंब बोन का, जो भी आप साइज क्या हुआ इवोल्यूशन में, आप देखेंगे कि सबसे पहले जो साइज था वो एक पिग के आकार का, बोलते हैं कि पिग के साइज का वो एलिफेंट होता था, जो सुअर बोल सकते हैं, सुअर जो उसके साइज का था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका बॉडी गेन होता गया, वेट गेन होता गया, और जो लिम्ब है वो बहुत ज्यादा इलोंगेट हो गया, इलोंगेट होने के बाद जो है स्कल जो है उसका इनलार्ज हो गया। ऑब्वियसली जब अगर इनलार्ज लिम्ब्स अगर बड़े हो जाएंगे, इनलॉन्ग होंगे, तो उसमें क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंगली स्कल भी इनलार्ज होता जाएगा, जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डेवलप्ड एंड इलोंगेटर ऑफ प्रोबोसिस, मतलब जो सूंड है, आप देखेंगे पहले सूंड नहीं था, फिर सूंड धीरे धीरे जो जिसको बोलते हैं, अब सूंड क्या हुआ, धीरे धीरे लंबा होता है, जिसके जिसको आप बोल सकते हैं कि वो या तो खाने के लिए उसको यूज करता है ना, बाहर ऊपर पेड़ से पत्तियों को तोड़ने के लिए यूज करेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, इलोंगेट होता गया, बड़ा होता गया, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सेकेंड पेयर ऑफ इंसीजर इंटू ट्रंक, जो टस्क है, टस्क बोलते हैं जो बड़े बड़े उसके दांत होते हैं, ठीक है, दांत टस्क दो वाले दांत जो बड़े बड़े उसके टस्क होते हैं, वो इंसीजर्स सेकेंड पेयर, दूसरा पेयर भी आ गया था, ठीक है, मॉडिफिकेशन होने लगा, और उनोडॉट मोलर, मतलब देखिए यहां पे एक वर्ड है, मॉडिफिकेशन ऑफ आपका क्या है, डेंटिशन फ्रॉम उनोडॉन्ट मोलर, ठीक है, तो मतलब जो मोलर टीथ है उसमें क्या हो गया, कुछ डेवलपमेंट होने लगा, मतलब इवोल्यूशन में, मतलब जैसे पहले अगर मोलर अगर टीथ है, तो अगर ये मोलर टीथ अगर मान लिए, तो ये एक इवोल्यूशनरी पीरियड में क्या हो गया, इसमें उनोडॉन्ट मतलब कि जो ब्लंट इंड आप कह सकते हैं, ब्लंट इंड मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में इस तरह का आपको दिखने लगेगा, ब्लंट इंड, ठीक है, तो ये इस तरह का डेवलप होता गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीथ विथ राउंडेड कस्प टू लोफोडॉन्ट एंड ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंडिंग के पर्पज से यूज करना है ना, सरफेस ऑफ मोलर टीथ विथ ट्रांसवर्स, जो भी आप उसके मोलर टीथ पे देखेंगे, देखिए हम लोगों को सबसे ज्यादा याद रखने वाला क्या चीज है, पूरे जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट स्टेज डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे एलिफेंट का, उसमें दो तीन चीज याद रखना है, पहला कौन से एरा में हुआ था, और उस एरा में उसमें डेवलपमेंट जो हुआ था, वो जो टस्क है इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोबोसिस और आपका जो मोलर टीथ है वो उस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये टीथ की अगर हम बात करें, तो ये देखिए ये मोलर टीथ है, ये यहाँ पे मोलर टीथ आप देख रहे होंगे कि ब्लंट, जो मैं बता रहा था ब्लंट एंड ब्लंटेड होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये आकार बन गया है ना, तो इस टाइप का आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और सबसे मजे की बात क्या है कि जब इसके फॉसिल्स मिले, तो फॉसिल्स मिलने के बाद जब पता चला, तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिफेंट डेवलपमेंट का था, तो फर्स्ट स्टेज में जितने टीथ थे उतने ही टीथ आज मॉडर्न वाले में भी हैं, मतलब टीथ में कोई भी नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता गया है, तो स्ट्रक्चर चेंजेस में आप देखेंगे यहाँ पे भी इस टाइप से, मैंने तीन फिगर इसलिए आपको दिखाया है, कुछ इस तरह से थोड़ा इनलार्ज होता गया, और इनलार्ज होके वो उसमें ब्लंटेड इंड पोर्शन वगैरह दिखने लगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, दैट मीन्स कि ग्रेजिंग किसको बोलेंगे, जो ग्रासेस पे आपको खाने वाले हैं, ग्रासेस पे यूज करेंगे, और ब्राउजिंग मतलब जो ऊपर के हिस्से में, जैसे प्लांट हो गए,
ये सब खाने के लिए। तो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में अलग अलग उसका ये फीडिंग एबिलिटी होगा। अगर हम बात करें रेट ऑफ इवोल्यूशन, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट की बात करें तो क्या बोल रहा है कि द इवोल्यूशन ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट, मैंने दो बातें बोली थी अफ्रीकन और एशियन, ये दो एलिफेंट मिलेंगे, तो जो इवोल्यूशन है रेट अफ्रीकन एलिफेंट का कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिकॉज न्यू स्पीसीज चेंजेस मोस्ट एट द टाइम दे ब्रांच्ड फ्रॉम द पेरेंट स्पीसीज। वहां से वो ब्रांच कहां से हो गए थे, जब पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में थे, तो इसलिए वो वहां से न्यू स्पीसीज चेंज हो गए थे एट द टाइम, मतलब जब जब ब्रांच हो रहे थे तभी से वहां से चेंज थे, एक एशियन अलग एलिफेंट हो गया था और एक अफ्रीकन अलग एलिफेंट। द ऑर्गेनिज्म चेंज टाइटल एज टाइम, ठीक है, वेन टू बट सम स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। जब डेवलपमेंट हो रहा था तो आप देखेंगे कि कुछ एलिफेंट्स, एक दो एलिफेंट्स क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि क्या हुआ कि जब ग्लेशिएशन पीरियड आया, जब ग्लेशियर्स वाले पीरियड आए थे, तो उसमें एक अलग टाइप का आपको दिखने को मिलेगा कि वो एक एलिफेंट था, लेकिन जब वो पीरियड खत्म हुआ तो वो उसी के साथ एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, कुछ जूलॉजिकल फोर्सेस रहे होंगे जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। इसका बहुत ज़्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं है, इतना ज़्यादा उस पर रिसर्च किया गया लेकिन उसका कोई एविडेंस ज़्यादातर मिला नहीं, बस एक प्रोसेस यही देखा गया कि ग्लेशिएशन के टाइम पे वो दिखे थे और ग्लेशिएशन के टाइम के बाद वो नहीं दिखे, बस हाँ उनके फॉसिल्स से एक 3D डायग्राम बनाया गया, 3D स्ट्रक्चर जो आपको मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाएंगे आगे में, वो देख लीजिएगा। चलिए अगर प्रोजेनी लाइन की बात करें विथ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के हिसाब से कौन कौन से कहाँ पे स्टेजेस थे, वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे पहला कहाँ देखा गया था, तो वही इओसीन पीरियड, जो जूलॉजिकल एरा है, इओसीन पीरियड में क्या देखा गया था, मोइथीरियम, है ना, जो सबसे पहला स्टेज है एलिफेंट का, फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिफेंट, ठीक है, मोइथीरियम जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एलिफेंट है, वो कब देखा गया था, तो इओसीन पीरियड में इसके फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। ओलिगोसीन में क्या है, ओलिगोसीन में देखिए पेलियोमास्टोडोन, जो पोलियोमास्टोडोन है वो आपको साइड लाइन में आप देखेंगे, साइड लाइन में हम लोग साइड लाइन भी एक लेके चल रहे हैं कि कुछ कुछ इस तरह के भी आपको साइड लाइन नाम मिलेंगे एग्जाम में, अगर मिलेंगे तो आप वो भी आप इसी पीरियड में आप मानेंगे, ठीक है। फियोमिया एंड ट्रू मास्टोडोन, ये इस कुछ आपके क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज है। उसके बाद देखिए मियोसीन में ब्यूनोमास्टोडोन, ठीक है, प्लियोसीन में टेट्राफोडोन और स्टिंगलोफोडोन, उसके बाद हो गया स्टिगोडोन। ये जो है ये आपके स्टेजेस हैं किसके, एलिफेंट के। तो फर्स्ट स्टेज आप हमेशा याद रखिएगा कहाँ पे हुआ, कौन सा पीरियड में हुआ था, तो इओसीन एरा में हुआ था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं। जो प्लियोसीन एरा है क्यों पूछते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके दो डाइवर्ट हो गए थे, जो एक अफ्रीकन मैं बोल रहा हूं और एक एशियन अफ्रीका एलिफेंट बने थे, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये यहां पे दिख रहे हैं ना, ये तीनों यहां से बने थे। टीगोडोन से क्या हुआ कि ये तीनों निकल के आए। जो ये हैं मेमोथ, और मेमोथ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट, दे आर एक्सटिंक्ट, ठीक है, मतलब अब ये नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है लॉक्सोडोंटा, लॉक्सोडोंटा क्या है, एक अफ्रीकन एलिफेंट है, ये आपको अभी मिलेगा, जो मॉडर्न एलिफेंट है, और ये एलिफेंट ये है एशियन,
ये दोनों कहाँ है? रिसेंट एरा में, इसीलिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, मेमोथोस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और बाकी जो दो हैं अफ्रीकन और एशियन वाले वो अभी मॉडर्न एलिफेंट में आपको मिलेंगे। इसमें यही याद रखने वाला चीज है, तो ये एक आप हमेशा याद रखिएगा ये टाइम पीरियड के साथ। चलिए अगर देखते हैं एक फाइलोजेनी, फाइलोजेनी में हम देख रहे हैं उसी तरह से जो यहां पे आपको बताया था, फर्स्ट मोइथीरियम, मोइथीरियम में आप देखिएगा सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको ईओसीन पीरियड में है। सेम चीज को मैंने फाइलोजेनिक व्यू में दिखाया है ताकि आपको यहाँ से बेटर समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था आपको, ये है आपका मेमोथ, मेमोथ जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, एक्सटिंक्ट, ये ग्लेशियन पीरियड में आया था। फिर आप देखिए कि एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट, ये हो गया एशियन और ये अफ्रीकन एलिफेंट। मास्टोडॉन आपको मिलेगा, आपको 2 मिलियन ईयर अगो पहले मिले थे, है ना, ये वुली मेमोथ, ये सब आपको एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, ये और ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ है 38 मिलियन ईयर्स अगो, 24 मिलियन ईयर अगो, यहाँ से जब आपको ओलिगोसीन से मियोसीन जा रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे बूनो मोस्टोडोन, यहां से आपको ये थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना है जो मैंने बताया था प्लियोसीन वाला एरा में, यहाँ पे ये प्लियोसीन एरा में जो स्टिगोडोन है वो यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड हो गया था, तो ये चीज नोट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन, अब हम लोग धीरे धीरे स्टेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेन इंट्रोडक्शन था वो हम लोग देख लिए कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके जितने भी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में कैसे वो दिखते थे, उनके इमेजेस से समझेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे। चलिए सबसे पहला स्टेज जो है ईओसीन पीरियड वाला वो है मोइथीरियम। मोइथीरियम में आप देखेंगे तो स्वाम्प ड्वेलर थे, ठीक है, अबाउट साइज ऑफ पिग, मैंने आपको बताया था पिग के आकार के होंगे, ये इसका फॉसिल जो मिला आपके स्कल वाले बोन वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो कुछ इस टाइप का आगे का था, जो अभी अभी क्या है, अभी थोड़ा ब्रॉड है ना, और ये आप देख रहे होंगे जो ये हिस्सा है पुनोडोंट डेंटेशन, मतलब वही मोलर वाला जो टीथ था वो ब्लंट होने लगा था, ठीक है, नो प्रोबोसिस, मतलब टूड जिसको बोलते हैं, टूड है ना, जो सूड है वो पहले नहीं था, आप देख रहे होंगे इसके स्कल में यहाँ पे क्या है, यहाँ से हल्का 2 टीथ आपको दिख रहा होगा, लेकिन सूंड जो है कुछ जो इस टाइप का होगा, सूंड इसमें एब्सेंट है, तो आप सूंड इसमें नहीं कह सकते, तो सूंड इसमें एब्सेंट होगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज है मोइथीरियम उसमें सूंड नहीं होगा, ठीक है। नॉट स्नॉट क्या है, नॉट इलोंगेटेड है, उसके बाद है इलोंगेटेड बॉडी, बॉडी साइज थोड़ा इलोंगेट होगा, उसके बाद शॉर्ट लेग, पैर छोटे होंगे, ऑब्वियसली अगर पिक के साइज का है तो पैर अकॉर्डिंगली उसका छोटा होगा। फर्स्ट लोअर जो है इंसीजर स्मॉलर, वेयर एज सेकेंड लोअर इंसीजर इज लार्जर, पहला वाला क्या होगा वो ज्यादा छोटा होगा और बाद में उसका बड़ा होगा, जो ये टीथ है, ठीक है, सजेस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ टस्क इन लेटर स्टेजेस फॉर इट, जो टस्क बन गए बड़े बड़े दांत बन गए वो लेटर स्टेजेस में आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। पहले क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये आपका लोअर इंसर्जन और ये फ्रंट वाले थोड़े बड़े होंगे, जो लोअर इंसीजर होंगे वो स्मॉल होंगे, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे छोटा है ये लोअर इंसर्जन और ये आपका हो गया सेकेंड लोअर, तो वो क्या है थोड़ा लार्ज होंगे आपको जो फिगर में भी दिख रहा है। अब अगर इसकी मैपिंग करें, जो फॉसिल मिलते हैं उसकी 3D डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, तो 3D डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे तो 3D डायग्राम बनेगा तो कुछ इस तरह से वो दिखता था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। ऐसे तो पिग लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहे होंगे,
से थोड़े बड़े ही दिख रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना है कुछ ऐसा ही बना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना है तो इसको पिग लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब अगर दूसरा बात करें, ठीक है, अगर दूसरा बात करें तो आप उसमें देखेंगे क्या, जो आपके प्लियोमेस्टोडॉन थे, मेस्टोडॉन, वो क्या है, अरोज फ्रॉम मोरियोथेरियम, मतलब उससे पहले ही अरोज, उसी से अरोज हुए हैं जो पहले वाले डेवलपमेंट स्टेज में हम लोगों ने देखा। ये कब हुए थे, तो ड्यूरिंग ओलिगोसीन पीरियड, ठीक है, ये ओलिगोसीन पीरियड में आपको दिखे थे। और प्रोबिशियस सॉर्टर जो सूड है उसमें थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, मतलब यहां से आपको थोड़ा सा दिखने लगेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन सूड, फर्स्ट वाले में सूड नहीं था, ये याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा सूड दिख रहा है जो कि शॉर्टर है, मतलब थोड़ा छोटा है, ठीक है। अपर टस्क मोर इलोंगेटेड, अपर जो टस्क है वो मोर इलोंगेटेड है, आप देख रहे हैं ये वाला,